नमः शिवाय। ओम श्री परमात्मने नमः। दुर्लभ सामग्री की एक और अति दुर्लभ वीडियो में आपका स्वागत है। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा ख़ास है, और वो ख़ास कैसे है, क्योंकि आज की वीडियो में हम आपके लिए एक ऐसा मंत्र लेकर आए हैं जिसे आपको जाप नहीं करना अपितु सुनना है। ये मंत्र इतना शक्तिशाली है कि यह ब्रह्मांडीय ऊर्जा को जो भी इसको सुनेगा उसकी तरफ भेजने लगता है। जो भी इस मंत्र को 108 या 108 की संख्या से ज़्यादा संख्या में सुनेगा उसको लाभ अवश्य होता है। मेरी एक साधिका है, वो काफ़ी समय से मुझे फ़ोन पर और मैसेज में बताती रहती है कि गुरुजी कुछ ऐसा करिए जो घर से बाहर नहीं निकल सकते लोग, उनके लिए भी आप कुछ करिए। और उसकी रिक्वेस्ट पर ही मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, वरना ये वीडियो मेरा बनाने का कोई मकसद नहीं था। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो घर में रहते हैं, घर से बाहर नहीं निकल सकते, किसी तरह से मजबूर हैं। कुछ फ्रिक्वेंसी ऐसी होती हैं यदि उनको सुना जाए तो सुनने मात्र से हमारे शरीर में बदलाव आता है, और ठीक उसी प्रकार कुछ फ्रिक्वेंसी ऐसी भी होती हैं यदि जिनको सुना जाए तो चीज़ें हमारी तरफ आने लगती हैं, या व्यक्ति सखा या आप जो भी चाहते हैं वह आपके जीवन में आने लगते हैं। बड़ी मुश्किलों से हमने इस फ्रिक्वेंसी को ढूंढा है और इसके माध्यम से एक धुन बनाई है। मैं चाहता हूं कि आप इस धुन को ज़रूर सुनें और 108 से ज़्यादा संख्या में सुनें, और उसके बाद देखिएगा किस प्रकार से आपके जीवन में ऐसी चीज़ें होने लगेंगी जो पहले कभी घटित नहीं हुई। बहुत सारी सूक्ष्म ऐसी बातें होती हैं जिन्हें हर किसी को समझाना संभव नहीं होता, इसलिए मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि इस मंत्र को 108 बार सुनिए और उसके बाद आपके जीवन में क्या परिवर्तन हुआ ये मुझे ज़रूर बताएं। और किसी भी व्यक्ति को इस मंत्र का दुरुपयोग करने की मैं बिल्कुल इजाज़त नहीं दूंगा। यदि कोई करेगा तो वह उसका फल स्वयं भुगतेगा। याद रखिएगा, यदि आप इसको अपना उल्लू सीधा करने के लिए इस्तेमाल करेंगे तो उसकी ऊर्जा ख़त्म हो जाएगी और यह आपके लिए दोबारा काम नहीं करेगा। आपको इसको सुबह सुनना है, यदि सुबह नहीं सुन सकते तो किसी भी टाइम सुन सकते हैं। निवृत्त होकर सुनिए, नहा के सुनिए, कैसे भी सुन सकते हैं, सुनने मात्र से फ़र्क पड़ता है। आप इसको अपने लैपटॉप पर चला के भी छोड़ दीजिए, यदि 108 बार आपने इसको सुन लिया तो समझिए आपका काम बन जाएगा। और अब मैं आपको एक ऐसी साधिका से बात करवाता हूँ जिनके काम बने और वो अति प्रसन्न हैं, और आप देखिए किस तरह से उनके काम बने और कौन सा ऐसा उपाय था जो उन्होंने किया। उन्हीं की जुबानी में आप उन्हीं की स्टोरी सुनिए। तो अगली आवाज उस साधिका की जिनके काम बने। हमारा नाम वैसे स्वाति है। अच्छा, मेरा नाम, हाँ, कहाँ से बोल रहे हैं आप? सर, कानपुर से। अच्छा, बताइए क्या काम बना आपका और कैसे किया आपने? सर, जैसे मैंने ये देखा सर कि आपकी जो बात है कि जो भी सच्चे दिल से अगर किसी चीज को अपना उल्लू सीधा करने के लिए ना किया जाए, अगर सच्चे दिल से किया जाए तो वो काम जरूर बनता है, बस आप अपनी जगह सही होना चाहिए। जी जी। तो सर, हमने यहाँ आपका जैसे एक मंत्र था ओम ऐम ह्रीम क्लीम वाला, वो वाला मंत्र किया तो मेरा उससे तुरंत काम बना, और आज तक भी मतलब मैं जो भी आप बताते हैं, और भी वाटर वाला किया उससे भी मेरा काम बना, जैसे जॉब वॉब के लिए। कितने दिन में काम बना था आपका? सर, हमारा काम आज जैसे आपने बोला कि तुरंत काम बनता है तो मेरा तो सर तुरंत बन गया था। अच्छा अच्छा, तो कैसे किया था एक बार ये भी बता दीजिए सबको। मैंने सर वही ब्रह्म मुहूर्त में मॉर्निंग में उठ के बस 5 से 6 के बीच में किया हुआ था। अच्छा, पानी वाला कैसे किया था ये बताइए। पानी वाला एक बॉटल ले ली थी और उसमें आपका पानी वाला तो बिल्कुल बिल्कुल ट्रू है सर, वो तो उसमें अपनी विष उसको मैंने बॉटल में चिपका दी, इसके बाद में ऊपर से उसे टेप कर दिया ताकि वो कागज हट ना जाए। इसके बाद में वो मैंने उसको उसमें पानी भरा, 2-3 घंटे बाद मैंने उसको पिया, ऐसे ही मतलब सारा दिन जैसे ही पानी उसमें खत्म हो जाता था मैं फिर से डाल लेती थी तो वो चार्ज हो जाता था, फिर मैं पीती थी तो उससे मेरा काम बन गया। अच्छा जी, तो आपको तो विश्वास हो गया हमारे उपाय पे कि काम करते हैं।
गुरु जी, हमें आपके ऊपर पहले ही विश्वास, इतने मैं पहली बार मैं इन सब चीजों पे विश्वास नहीं करती, मैं सिर्फ महादेव की पूजा करती हूँ, उन पे विश्वास करती हूँ, लेकिन जब मैंने आपका वीडियो देखा तो मुझे एक अंदर से लगा कि नहीं, आप वाकई में आपके वीडियो काम कर। अच्छा अच्छा हाँ, बसरते बस ये है कि उसको गलत यूज में ना किया जाए, अगर आप गलत करेंगे तो हो सकता आपका काम ना बने। अच्छा, दुनिया वालों को क्या कहना चाहते हैं, कोई मैसेज देना चाहते हैं? हाँ, कि अगर वो सही हैं अपनी जगह, उनको पूरा अपने ऊपर विश्वास है कि वो अपनी जगह सही हैं, वो किसी भी गलत मकसद से इस चीज का यूज नहीं करे तो उनका काम जरूर बनेगा। ओके, और आपने किसी को बताया? जी, एक दो लोगों को बनाया, उनका तो, उनका भी ऐसे टाइप का मैटर था, उनका तो सक्सेस हो गया, इवन वो अपनी मैरिड लाइफ में खुश भी हैं। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है जी। और लेकिन अभी हाँ, जी और सब क्या करें, मतलब सर यही कि मेरा मतलब है कि अगर आप सही हैं तो आपका काम जरूर बनेगा, लेकिन अगर आप ही गलत कुछ है लोग तो कहते हैं कि मैं आप सबको पेड, मतलब आपको पैसे देता हूँ और आपसे बुलवाता हूँ कुछ सर वो ना सर, एक्चुअली एक चीज आपने सुनी होगी, जो जैसा होता है उसकी थिंकिंग वैसी होती है। जी, अगर आप सही हैं तो आपको दुनिया भी सही दिखेगी और भगवान भी आपको सही लोगों से मिलाएगा, लेकिन अगर आप गलत है, आपकी थिंकिंग ही गलत है, आपके अंदर ऑलरेडी निगेटिविटी भरी हुई है, तो आपको दुनिया गलत लगेगी। ये और अगर नहीं भी होगी तो वो गलत सो हो जाएगी, क्योंकि आपकी निगेटिविटी ही गलत है। और जिन लोगों के काम नहीं बनते, बहुत मेहनत करते हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे? सर मैं मान ही नहीं सकती, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैंने तो भी आपके एक दो काम जो भी किए मेरे तो तुरंत बने हैं। अच्छा, आपके काम बन सर, गए वो ना? सर उनके लिए ये है कि वो कहीं ना कहीं वो खुद में या तो गलत है या उनका करने का तरीका कुछ गलत है। जी, ये तो आपने सही कहा, सही तरीके से जो भी करेगा उसको रिजल्ट तो आता ही आता है। सच्चे दिल से, विश्वास से, और किसी का गलत करने के लिए अगर नहीं किया जाएगा तो काम तुरंत बनता है सर, हम तो ये बोलते हैं। बिल्कुल सही बात है, आपका काम बन गया ना जी, आप मेरा है ना? काम हाँ जी, बस यही सबसे ज्यादा जरूरी होता है, मतलब काम बन जाए आपका, ये सबसे ज्यादा जरूरी है जी। तो आप एक बार फिर से बता दीजिए, कहाँ से बोल रहे थे आप? सर हम कानपुर से बात कर रहे हैं। कानपुर से, क्या नाम था आपका? स्वाति। ठीक है स्वाति, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और ऐसे ही आप जुड़े रहिए दुर्लभ सामग्री के साथ, और कोई समस्या तो जरूर फोन करिएगा। ठीक है, thank you.
तो देखा आपने किस प्रकार से इनके काम बने। और अभी जो आपने ध्वनि सुनी, जो मंत्र सुना, इस मंत्र को आपको 108 बार से ज़्यादा सुनना है और उसके बाद आपके सारे काम बनने लगेंगे, यदि आपके मन के भाव सही हैं तो। उम्मीद करूँगा वीडियो में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ या उन लोगों के साथ जिनको इसकी ज़रूरत है। और अंत में सिर्फ इतना ही कहूँगा कि ऊपर वाले को छोड़ के कहीं और दिल लगाया तो अंत में पछताना ही पड़ेगा। ओम नमः शिवाय।